हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल प्रणव फॉर यू नॉलेज फॉर एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है काइजन। काइजन होता क्या है, इसको कैसे किया जाता है और इसके फॉर्मेट को किस तरह से भरा जाता है, आज मैं इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करूंगा। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो काइजन क्या है? मासाकी इमाई जो काइजन के फाउंडर है, उनके अनुसार रोज़ प्रतिदिन के कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट हमारे डेली लाइफ में, घर की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में और सोशल लाइफ में जो करते हैं इम्प्रूवमेंट, उसको कहते हैं काइजन। निरंतर एक इम्प्रूवमेंट का प्रयास। काइजन दो शब्दों से मिलकर बना है, काई और जेन, यानी चेंज फॉर बेटरमेंट। मतलब वो चेंज जिससे कुछ अच्छा हो, जिससे कुछ भला हो, उस तरह के चेंज को हम लोग कहते हैं काइजन। छोटे छोटे स्टेप लेकर, जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देख रहे हैं, ये बड़ा बड़ा स्टेप है, बड़ी बड़ी स्टेप आपको लेना नहीं है या बड़ा कुछ बहुत बड़ा प्रयास नहीं करना है। आप छोटे छोटे सुधार कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं ताकि बेटर इम्प्रूवमेंट हो, वो काइजन है। जैसे यहाँ पर देख रहे एग्जाम्पल, आप स्टेप बाय स्टेप, ये बड़ा बड़ा है, उसको हम छोटे छोटे स्टेप से किस तरह से हम ये अचीवमेंट, अपना गोल पूरा कर सकते हैं, तो ये काइजन है, चेंज फॉर बेटरमेंट। तो काइजन प्रिंसिपल क्या है? काइजन प्रिंसिपल या ऑब्जेक्टिव जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम रोज प्रतिदिन किस तरह इम्प्रूव कर सके, अपने प्रोडक्ट और प्रोसेस की क्वालिटी को किस तरह बढ़ा सके और किस तरह से एलिमिनेट कर सके वेस्ट को अपने प्रोसेस से और प्रोडक्ट से। ये करने का हम लोग तरीका जो है उसको काइजन प्रिंसिपल कहते हैं। काइजन में हम सबों को इन्वॉल्व करते हैं, एवरीवन इन्वॉल्विंग देयर इन काइजन। काइजन के कुछ प्रिंसिपल क्या हैं? कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस क्वालिटी बाय आइडेंटिफाई वैल्यूज। प्रोडक्ट और प्रोसेस क्वालिटी के वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करके हम कंटिन्यू हम लोग जो इम्प्रूवमेंट करते हैं। एलिमिनेट मुदा और वेस्ट, मुदा या वेस्ट को हम एलिमिनेट करते हैं। मुदा क्या होता है? 3M, उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। लोअर रिजेक्शन, डिफेक्ट एंड कॉस्ट, किस तरह से हम रिजेक्शन को, डिफेक्ट को घटाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को किस तरह से हम कम करेंगे, ये भी काइजन का एक प्रिंसिपल में आता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी हम कैसे बढ़ाएंगे, ये भी काइजन का मुद्दा है। प्रमोट इनोवेशन, नए विचारों को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, नए विचार किस तरह से प्रिंसिपल काम करते हैं, नए नए आइडिया किस तरह से आए, इसको हम लोग आगे प्रमोट करते हैं। इंक्रीज वर्कर्स मोरल एंड अकाउंटेबिलिटी थ्रू इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, वर्कर के मोरल को हम बढ़ाते हैं किस तरह, उनको भी हिस्सेदारी देके उनको भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। सबको पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है काइजन में। काइजन का प्रोसेस क्या है? काइजन के 7 प्रोसेस हैं। पहला, गेट द एम्प्लॉय इन्वॉल्व, सभी एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। एनालाइज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है इसके ऊपर हम लोग एनालाइज करना। फिर डेवलप द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाए इसका सॉल्यूशन निकालना। इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन निकाले हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। एनालाइज द रिजल्ट, जो इम्प्लीमेंट किए उसके बाद, पहले और बाद में क्या रिजल्ट निकला, उस रिजल्ट को हम लोग फिर एनालिसिस करते हैं और अगर वो सही हो तो उसका स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन करते हैं। तो ये 7 स्टेप है काइजन प्रोसेस के। PDCA साइकिल आपने देखा ही होगा, ये सबसे मेन चीज होता है, प्लान, डू, चेक, एक्ट। तो यहाँ पर क्या है काइजन में, PDCA का मतलब पहला P हो गया प्रॉब्लम फाइंडिंग, प्रॉब्लम को फाइंड करना। डिस्प्ले मतलब उसको दिखाना, उजागर करना क्या प्रॉब्लम है, फिर क्लियर करना मतलब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना और फिर लास्ट में एक्नॉलेज करना। तो PDCA साइकिल काइजन में इस तरह से शो किया जाता है। व्हाई टू इम्प्लीमेंट काइजन, काइजन के इम्प्लीमेंट करने की जरूरत क्या है? अपनी कार्य क्षमता के अनुसार जो टीम होती है वो अपनी जिम्मेदारी उठाती है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ती है। काइजन क्या है? एक वातावरण करता है, वातावरण बनाता है साथ में मिल के काम करने का, टीम वर्क में, ताकि कुछ चेंज कर सके, अच्छा कर सके।
वेयर न्यू आइडियाज आर इनकरेज, जहां पर नए विचारों को इनकरेज किया जाता है, जो एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है। काइजन क्या करता है? इम्प्रूव करता है क्वालिटी सर्विस को, बिजनेस को बढ़ाता है, नए प्रोसेस का इम्प्रूवमेंट करता है, अपनी कार्य क्षमता को बूस्ट करता है और मैनेजमेंट का टाइम सेविंग भी करता है। तो ये काइजन का इम्प्रूवमेंट है। काइजन से क्या होता है? एक्सीडेंट और इंजुरी घटती है। काइजन की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं फोटो, ये है मसाकी इमाई। ये इन्हें काइजन का फादर कहा जाता है। यही काइजन को बनाए हैं सबसे पहले। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब अमेरिका की टीम जापान आई तो उन्होंने टोयोटा में देखा कि वहाँ पर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उन्हीं में से कुछ एक ग्रुप है, जो क्वालिटी सर्कल है, वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। ये देखकर अमेरिकन टीम जो है वापस जब अपने कंट्री गई तो इस चीज़ का इम्प्लीमेंट वो अपने कंपनी में किया। काइजन कौन करता है? हु डज काइजन? यहाँ देखिए, इनोवेशन है, काइजन है, मेंटेनेंस है। इनोवेशन और काइजन में फ़र्क है कि काइजन जो है उसमें बहुत मतलब पैसे या तो खर्च नहीं होते हैं, होते भी तो बहुत कम होते हैं, और छोटे छोटे स्टेप को लिया जाता है काइजन में। लेकिन इनोवेशन में क्या है, बड़ा बड़ा स्टेप लिया जाता है और उसमें खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उसमें टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। मशीनें नई लगवाना, सेटअप नया बैठाना, ये सारा इनोवेशन में है, बहुत बड़े बड़े स्टेप लेना। और वर्कर्स लेवल और सुपरवाइजर में क्या है, काइजन करना और काइजन को मेंटेन करना। तो ये जो ग्रुप है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, सुपरवाइजर और एसोसिएट वर्कर, ये सारे ही इन्वॉल्व रहते हैं काइजन में। अब देख रहे हैं हम लोग काइजन अम्ब्रेला, किस तरह से काइजन का अम्ब्रेला जो है मुसीबतों से बचाता है, सारे तरह के प्रॉब्लम से। काइजन अम्ब्रेला क्या है? अब देखिए, कानबान, जिसको लीन मैन्युफैक्चरिंग में कहते हैं, यानी किस तरह से आप मिनिमम इनपुट दे के मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, कम खर्चे में अच्छा उत्पाद बना सकते हैं, वो कानबान हो गया। ऐसे हो गया अप्रोच, इम्प्रूवमेंट, जीरो डिफेक्ट, इफेक्टिवनेस, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टोटल क्वालिटी कंट्रोल, कस्टमर ओरिएंटेशन, यानी कस्टमर जो क्या चाहता है उसके ऊपर हम लोग क्या बना सकते हैं, सिक्स सिग्मा, यानी कितना हम अपने प्रोसेस में डेविएशन कम कर सकते हैं और अच्छा उत्पाद बना सकते हैं विदाउट डिफेक्ट। टीपीएम मेंटेनेंस के ऊपर है, क्यूसी सर्कल, अभी मैंने बताया कि किस तरह से एक ग्रुप ऑफ टीम काम करती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जस्ट इन टाइम, मतलब विद इन टाइम, किस तरह सप्लायर के इंड से प्रोडक्ट आता है, हमारा जस्ट प्रोडक्ट लगता है, जीरो इन्वेंट्री इसको जिसमें आता है, जस्ट इन टाइम में। रोबोटिक्स है, कितना हम रोबोटिक्स कर सकते हैं, मतलब डिपेंडेंट मैन नहीं होकर मशीन कर सकते हैं। सजेशन सिस्टम, सबका सजेशन किस तरह लेकर हम काम करते हैं। डिसिप्लिन कितना मेंटेन करते हैं। स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी, छोटे छोटे ग्रुप में एक्टिविटी करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऑटोमेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रोबो इस्तेमाल या ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पोकायोके, यानी वो तरीका कि आप चाह कर भी गलती ना कर सकें, वो हो गया पोकायोके। काइजन के 5 एलिमेंट क्या है? सबसे पहला, टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। बिना टीम वर्क के आप काइजन नहीं कर सकते हैं। कंपनी में बोलिए, घर में बोलिए, पर्सनल लाइफ में बोलिए, सोशल लाइफ में बोलिए, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। दूसरा हो गया पर्सनल डिसिप्लिन। छोटा से हम जानते हैं, विदाउट डिसिप्लिन आप आगे बढ़ नहीं सकते, डिसिप्लिन तो मस्ट है। इम्प्रूव मोरल, सबका नैतिकता को हम लोग किस तरह उभारें, बढ़ाएं, इस पर ध्यान देते हैं। क्वालिटी सर्कल, मतलब इस तरह के टीम बनाते हैं जो प्रॉब्लम का अप्रोच करे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर ध्यान दें। और सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, सबके सजेशन को हम लोग लेते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो ये काइजन के 5 एलिमेंट हैं। काइजन के 3 पिलर क्या क्या हैं? गुड हाउसकीपिंग एंड 5S। हाउसकीपिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा हाउसकीपिंग, 5S मेंटेन कीजिएगा, काइजन मेंटेन कीजिएगा, तो आपको इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है, होगा ही होगा। वेस्ट एलिमिनेशन, वेस्ट को कितना कम कर सकें, मुद्दा को जितना कम करेंगे उतना अच्छा, उतना प्रोडक्टिव बढ़ेगा और क्वालिटी बढ़ेगा। स्टैंडर्डाइज, मतलब हम मेंटेन करते हैं स्टैंडर्ड को, किस तरह से अच्छी चीज़ों को जो हम सीखे हैं, जो हम जानते हैं, चारों तरफ उसका विस्तार करना। की क्राइटेरिया ऑफ काइजन क्या क्या है? रिड्यूस वेस्ट, वेस्ट को रिड्यूस करना, इम्प्रूव क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इंक्रीज सेफ्टी का भी इंक्रीमेंट करना, साथ में रूट कॉज तक जाना और उसके बाद सब जगह स्टैंडर्डाइज करना। तो ये की क्राइटेरिया है काइजन के, जो मैं पहले बात कर रहा था मुदा का। मुदा होता क्या है? व्हाट इज मुदा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जब
काम करते हैं तो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो वैल्यू एडेड और एक है नॉन वैल्यू एडेड। तो जो नॉन वैल्यू एडेड मतलब आप जो एफर्ट लगा रहे हैं और आपका आउटपुट सीधा निकल के आ रहा है जॉब बन के, अच्छा जॉब बन के, ओके जॉब बन के। और नॉन वैल्यू एडेड मतलब आप वो काम जिसका डायरेक्ट जॉब से कोई लिंक नहीं है लेकिन वो होता है हर कंपनी में होता है, उस चीज़ को कहते हैं मुद्दा। तो हम जितना ये नॉन वैल्यू एडेड चीज़ है उसको जितना हम घटा सकते हैं, एकदम तो नहीं हटा सकते लेकिन जितना हम उसे कम कर सकते हैं तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और बेनिफिट भी बढ़ेगा। देखिए ऑपरेशन क्या है, वैल्यू एडेड वर्क प्लस मुद्दा, यानी ऑपरेशन वैल्यू जो वैल्यू एडेड वर्क प्लस मुद्दा होके प्रोडक्ट बनता है हमारा ऑपरेशन। वैल्यू एडेड वर्क क्या है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के वैल्यू को बढ़ाना, वैल्यू को बढ़ाना यानी दाम नहीं बढ़ाना, उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को घटाना ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। मुद्दा क्या है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मुद्दा जो है वो आपके प्रोडक्शन के कॉस्ट को बढ़ा देता है तो ये वेस्ट है हमारे लिए। तो ये है मुद्दा, यहाँ आप देखिए वर्क प्लस मुद्दा, इसके देखिए यहाँ पर मुद्दा कितना रेट का कितना बड़ा सिंबल कितना एरिया कवर किया हुआ है। अगर जब इसके साथ काइजन जुड़ जाता है तब क्या होता है, वो मुद्दा देखिए घट जाता है और आउटपुट ज़्यादा निकलता है। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमें काइजन के लिए, एलिमिनेट मुद्दा। वेस्ट कितनी तरह का होता है, 7 तरह के वेस्ट को हम लोग को हटाना है। इसको याद रखने का आसान तरीका क्या है, टीम वुड, आप टीम वुड वर्ड को याद कर लीजिए तो आपको 7 तरीके के मुद्दा का आपके याद हो जाएगा। पहला टीम वुड का पहला क्या है, टी ट्रांसपोर्टेशन, अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन। आप देखिएगा कोई बड़ी कंपनी के आसपास बहुत सारी छोटी कंपनी आ जाती है, क्यों, उसको उसका चाइल्ड जो आउटसोर्सिंग जॉब है देने के लिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम पड़े। इसलिए देखिएगा छोटी छोटी कंपनी बहुत सारी आ जाती हैं, या तो बड़ी कंपनी चाहती हैं कि हमारे जितने नज़दीक हमारे सप्लायर हो उतना अच्छा ताकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम पड़े, और वो खुद भी जिसको सप्लाई करती है कस्टमर को उसके पास जाके बनाती है जॉब ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हमें कम पड़े। सेकेंड आई से क्या हुआ, इन्वेंट्री, अननेसेसरी इन्वेंट्री। आप माल जो प्रोडक्ट आपका इस महीना जाएगा और आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया 6 महीने का तो क्या हुआ, आपका वेस्ट हो गया। तो अननेसेसरी इन्वेंट्री कीजिएगा तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, झूठ मूठ का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि जब तक मटेरियल आपका गेट से बाहर नहीं जाएगा, प्रोडक्ट जब तक बाहर नहीं जाएगा वो प्रोडक्ट पैसा बन के आपके पास नहीं आने वाला। तो अननेसेसरी इन्वेंट्री ये एक मुद्दा हो गया। मोशन, अननेसेसरी मोशन मूवमेंट, मशीन चल रहा है तो चल रहा है कोई देखने वाला नहीं, या तो ऑपरेटर क्या हुआ पानी पीने के नाम से चले गए घूमने, खाना खाने के नाम से चले गए घूमने, आपस में बात कर रहे हैं ज़्यादा, तो वो क्या हो गया अननेसेसरी मोशन हो गया, जिसका चलते क्या हुआ वो एक प्रोडक्टिविटी को हमारा डाउन करता है, ये एक मुद्दा हो गया। वेटिंग टाइम, डब्ल्यू फॉर वेटिंग, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका रॉ मटेरियल नहीं आया आपके पास, या तो आप जो जिस स्टेज में काम कर रहे उससे पहले वाला ऑपरेशन हुआ नहीं है और आप वेट कर रहे हैं उसके लिए, तो ये वेटिंग टाइम ये भी एक तरह का वेस्ट है। ओवर प्रोडक्शन, जितना कस्टमर डिमांड करेगा उससे आपने ज़्यादा बना लिया, अब क्या है प्रोडक्ट आपके पास पड़ा हुआ है, आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट ले नहीं रहा है, तो जब तक प्रोडक्ट आपके गेट से बाहर नहीं जाएगा पैसा कैसे आएगा, तो वो एक तरह का वेस्ट है। ओवर प्रोसेसिंग मतलब कोई काम मान लीजिए सिंपल तरीके में हो सकता है लेकिन आप उसे क्रिटिकल बना के 3-4 प्रोसेस को एक्स्ट्रा ऐड करके किए जा रहे हैं काम को, तो ये ओवर प्रोसेसिंग में एक मुद्दा है। 5-7 क्या हो गया, डिफेक्ट, अगर आप डिफेक्ट जॉब बनाते हैं कस्टमर के पास जाता है कंप्लेन आता है कस्टमर रिटर्न आपको भेज देता है विद डेबिट करके, तो ये भी एक तरह का आपका डिफेक्ट, ये तो आपका वेस्ट हो गया। तो ये 7 तरह के मुद्दा है, टीम वुड याद रखिएगा तो ये याद होना आसान पड़ेगा। अभी स्ट्रेटजी में आते हैं सेकंड में, टीम वर्क, ट्रेन ऑल एम्प्लॉय वर्कर अबाउट काइजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल, जितने वर्कर और एम्प्लॉय है सबको ट्रेन करना है हमको क्या चीज़ के लिए, काइजन के लिए, और किस तरह हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें उस तरह के टूल का इन्वेंट करने के लिए। उसके बाद क्या है, कम्युनिकेट आइडिया थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, अपने आइडिया या किसी के भी आइडिया को थ्रू आउट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसको सबको बताना है नए आइडिया के बारे में। डिफाइन क्लियर लीडरशिप इनिशिएटिव, लीडरशिप भावना जगाना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हाँ हम ये करेंगे, हमको हमसे ये होगा और हमको करना है इस तरह का। प्रायोरिटाइजेशन प्रॉब्लम मतलब कौन सा प्रॉब्लम ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है या बड़ा है या ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है हमारे सेल्स को, उस प्रॉब्लम को पहले हम अटैक करेंगे पैरेटो एनालिसिस करके। क्रिएट ए कल्चर टू अचीव परफेक्शन, इस तरह का कल्चर हमें करना है कि एक ही बार में जॉब बने और वो ओके जॉब निकले, इस तरह का हमको कल्चर क्रिएट करना है। अब आते हैं 5W1H, यानी 5 बार वाई पूछना है, 5W और 1 बार पूछना अब इसका सॉल्यूशन कैसे, हाउ। हमारा गोल क्या है, प्रोडक्शन करना है विदाउट वेस्ट, बिना किसी वेस्ट का, कैसे स्टैंडर्डाइज करना है, इम्प्रूव करना है प्रोसेस की एक्टिविटी को हमको इम्प्रूव करके। ताइची ओहानो, फादर ऑफ टोयोटा प्रोडक्शन, लीन मैन्युफैक्चरिंग के फादर, उन्होंने कहा था, ये नोटिस किया था कि 20% वर्क के लिए, काम के लिए हम लोग 80% का हम लोग लॉस कर देते हैं प्रोसेस में। 5W1H मसाकी इमाई, जो काइजन के फाउंडर हैं या फादर हैं, उनका देखिए ये अप्रोच था कि 5W1H से हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, हम भी कर सकते हैं ये चीज़, हमें ये चीज़ जितने क्वेश्चन देख रहे हैं बस आप इसको फाइंड आउट कीजिए, आप भी निकाल सकते हैं काइजन। पहला क्या है, हु डज इट, किसने किया, हु इज डूइंग इट, कैसे किया, हु शुड बी डूइंग, कौन कर सकता है ये, हु एल्स कैन डू इट, इसके अलावा कौन कर सकता है, हु इज डूइंग 3M, मतलब मुदा मुरा और मुरी, ये कौन कर सकता है, हु पोर्शन में इतने क्वेश्चन आएंगे। फिर हम पूछते हैं व्हाट, व्हाट टू डू, क्या करना होगा, व्हाट इज बीइंग डन, क्या हुआ था, व्हाट एल्स, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, और क्या 3M इसमें है क्या, वेयर करेंगे, कहाँ ये हुआ, क्यों हुआ, सेम इसी तरह व्हेन में जाएंगे, कब हुआ और व्हाई, क्यों हुआ, और लास्ट में पूछेंगे अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, हाउ इज इट डन, कैसे ये होगा, हाउ शुड बी डन, कैसे होना चाहिए, कैन दिस मेथड बी यूज्ड इन अदर एरिया, क्या जो कर किए हैं वो दूसरे एरिया में ये कर सकते हैं, इज देयर इज एन अदर वे, इसको करने का क्या कोई दूसरा और तरीका हो सकता है। तो इस तरह से हम 5W1H को हम लोग करके प्रॉब्लम के रूट कॉज तक पहुंचते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। काइजन के आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम किस तरह जानेंगे ये काइजन है क्या, बहुतों को ये परेशानी होती है, काइजन तो करना चाहते हैं लेकिन क्या करें, किस तरह काइजन करें, समझ में ही नहीं आता कि काइजन करें कहां पर। तो ये इन पॉइंटों को हम अगर हम देखते हैं तो हम काइजन कर सकते हैं। कैसे, कैन दिस जॉब बी मेड मोर कंफर्टेबली, क्या जो हम काम कर रहे हैं इसको और आरामदायक से किया जा सकता है, वहां काइजन है। इज इन देयर ए बेटर मेथड फॉर दिस ऑपरेशन, क्या ये जो हम काम करें इसका और कोई बेहतर तरीका है, जब ये दिमाग पर जोर दें तो वहां काइजन निकल सकता है। इज देयर ए फास्टर वे टू डू इट, क्या इस काम को करने का और कोई जल्द से जल्द तरीका हो सकता है, जब ये सोचेंगे तो वहां काइजन हो सकता है। इज देयर ए सेफर वे टू डू इट, क्या इसको करने का कोई और सुरक्षित तरीका हो सकता है, जब ये सोचेंगे तो वहां भी काइजन हो सकता है। तो इन पॉइंटों को आप देखिएगा तो यह काइजन हो सकता है एज ए प्रोडक्शन, और मैं जैसे मैं क्वालिटी में हूं तो मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करूंगा कि काइजन आप कहां कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, जहां भी इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, जिस जगह पे आप इंस्ट्रूमेंट लगा के चेक करते हैं वहां काइजन हो सकता है। उस इंस्ट्रूमेंट का अल्टरनेट सोर्स कर सकते हैं आप, कुछ गेजेस बना सकते हैं आप, तो वहां काइजन हो सकता है, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। डिफरेंट तरह के काइजन क्या क्या हैं, कैटेगरी, प्रोडक्टिविटी के ऊपर काइजन होता है, सेफ्टी के ऊपर काइजन होता है, डिलीवरी के ऊपर काइजन हो सकता है, क्वालिटी के ऊपर काइजन है, मोरल के ऊपर काइजन हो सकता है, एनवायरनमेंट के ऊपर होता है, और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये 7 तरीके के ऊपर काइजन हो सकता है। इन 7 तरीके का सब डिविजन भी होता है, ऐसा नहीं कि 7 तो 7 हो सकता है, प्रोडक्टिविटी के साथ कुछ और जुड़ जाए, क्वालिटी के साथ कुछ और जुड़ जाए, तो इस तरह से इसका सब डिविजन भी है। तो मेनली इन 7 तरीकों से काइजन किया जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिसेस, किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसका अभ्यास किस तरह से कर सकते हैं। जनरली लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम ये जो नीचे दिए गए हैं इन तरह के प्रिंसिपल को हम यूज कर सकते हैं, क्या, काइजन और 5S, इससे हम लीन मैन्युफैक्चरिंग का कर सकते हैं अभ्यास। डेमिंग PDCA अप्रोच, प्लान डू चेक एक्ट, ये करके हम कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, इसके द्वारा हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। TPM टोटल प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इसके द्वारा कर सकते हैं। और Y-Y एनालिसिस और 5Y, जो मैं इससे पहले अभी आपको बताया, तो इन तरीकों से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो काइजन मेथड के स्टेप्स क्या क्या हैं, काइजन बाय एलिमिनेशन,
एलिमिनेट करके हम कायजन कर सकते हैं। क्या चीज़ एलिमिनेट? वेस्ट को एलिमिनेट करके, मुदा को एलिमिनेट करके हम कायजन कर सकते हैं। काइजन बाय रिडक्शन, किस तरह से रिडक्शन, रिड्यूस प्रोसेस को, रिड्यूस करके टाइम को, रिड्यूस करके मैन पावर, रिड्यूस मशीन पावर, किस तरह से हम रिड्यूस कर सके उस तरह से भी काइजन हम कर सकते हैं। और काइजन बाय चेंज मतलब बदलाव करके हम काइजन कर सकते हैं, प्रोसेस में बदलाव, प्रोडक्ट में, मटेरियल में बदलाव, या मैन पावर या ऑटोमेशन कुछ भी यूज करके इसमें भी हम काइजन कर सकते हैं। काइजन के बेनिफिट क्या क्या हैं? जॉब को आसान करने के लिए, सुरक्षित ढंग से करने के लिए, ज़्यादा इफेक्टिव, मोर इफिशियंट और ज़्यादा कंफर्टेबल, ये सब करने के लिए काइजन क्या है, हेल्प करता है। बाय काइजन करेंगे तो ये बेनिफिट हमको मिलेगा। फिर क्या होता है, काइजन से समय की बचत होती है, सेव टाइम। काइजन से फिर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है घटता है, प्रोडक्शन करने के लिए जो कॉस्ट है वो घटता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बढ़ती है, इम्प्रूव प्रोडक्ट डिलीवरी भी बढ़ती है, रिड्यूस द प्रोडक्शन लीड टाइम, प्रोडक्शन के जो लीड टाइम है मतलब किसी पार्ट का बनने का जो लीड टाइम है वो घटता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं काइजन के। यहाँ आप कुछ काइजन के एग्जाम्पल देखिए। ये देखिए ग्राइंडर जो है खुला हुआ है, इसमें क्या होगा, अगर ये रनिंग करेगा तो आपका एक तरफ छिलेगा तो एक तरफ खुला ओपन है, तो ये खतरा है, सेफ्टी के लिए डेंजर है। तो हम क्या कि इसके ऊपर एक कवर लगा दिए, अब क्या हुआ, सेफ हो गया। तो सेफ्टी पर्पज़ का ये काइजन है, बिफोर आफ्टर इस तरह से। इसमें देखिए ऑपरेटर क्या कर रहा है, मेजरिंग टेप से मार्क करके फिर इसमें पार्ट्स को लगाएगा, उसके जगह क्या किए, मेजरिंग टेप को हटा के हम एक गेज बना दिए, बस ये गेज करके यहाँ मार्किंग करके वो पार्ट्स को लगा सकता है। यहाँ देखिए इस जॉब में इसके अलाइनमेंट को ये जरूरी है। अब ये अलाइनमेंट को बाय वर्नियर चेक कीजिएगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ चेक कीजिएगा टाइम लगेगा। इसके लिए क्या किए, एक चेकिंग पिन बना के मैंडल बना दिए, जिससे ये 90 डिग्री को फॉलो भी करता है और अलाइनमेंट को भी चेक करता है। और इसको बनाने के लिए इस तरह के ड्रिलिंग जिग, तो इस तरह क्या हुआ, ये एक परफेक्ट जॉब निकलेगा। तो ये एक अच्छा काइजन है। ये एक काइजन फॉर्मेट है। देखिए काइजन फॉर्मेट में किस तरह से भरते हैं, जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया इस चीज़ को, इसको हम काइजन में फॉर्मेट में कैसे भरेंगे, आइए देखते हैं। ये तो ऊपर में क्या क्या काइजन के कैटेगरी जो मैंने कहा था, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी, ये यहाँ पर रहेगा। तो आपका जो ये है, ये क्या, किस तरह का काइजन हुआ, सेफ्टी का काइजन हुआ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेफ्टी को ग्रीन करेंगे। हमारा काइजन का थीम क्या है, टू एलिमिनेट अनसेफ एक्ट, अनसेफ एक्ट को हमको किस तरह हटाना है, ये काइजन का थीम होगा। प्रॉब्लम क्या था, पोटेंशियल चांस ऑफ एक्सीडेंट ऑफ ग्राइंडर, एक्सीडेंट होने का चांस था, वो हम यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम रूट कॉज पर जाएंगे, रूट कॉज का क्या, वाई वाई एनालिसिस करेंगे। क्या एनालिसिस है वाई वाई, पहला वाई क्या है, पोटेंशियल चांस ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है ग्राइंडर से। सेकंड क्या, ग्राइंडर व्हील ऑपरेशन आर नॉट कवर, क्यों, क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील का कवर नहीं लगा हुआ है। थर्ड वाई क्या है, सेफ्टी गार्ड नॉट अवेलेबल, सेफ्टी गार्ड नहीं है। फोर्थ वाई क्या है, ओरिजिनल डिजाइन ऑफ मशीन, मशीन का डिजाइन ही इस तरह से है। तो मेन रूट कॉज क्या निकला हमारा, कि मशीन का डिजाइन ही इस तरह से है। तो आइडिया क्या आया, हाइन स्टेप कवर इसमें लगाया जाए, एक्शन क्या लिए हम लोग, कवर लगा दिए। अब क्या है, इस तरफ आते हैं, टीम लीडर कौन था, किसने इम्प्लीमेंट किया, ये दिखाना है। फिर रिजल्ट, ये जो काइजन की इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ क्या है, चांस ऑफ अनसेफ एक्ट एलिमेंट, इससे क्या हुआ, अनसेफ एक्ट का एलिमेंट हो गया, मतलब चांस खत्म हो गया, चांस ऑफ एक्सीडेंट भी एलिमेंट हो गया। अब हम क्या करें, इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, इस तरह से और कहाँ कहाँ पर है उसको हम उस जगह पर अप्लाई करेंगे। तो ये इस तरह से काइजन का फॉर्मेट हम भर सकते हैं। इसको कहते हैं मिस काइजन, किस काइजन, कीप इट सो सिंपल। ये क्या है, इसमें कुछ नहीं, बिफोर आफ्टर का खाली फोटो लगा देना है, बिफोर में यह था, आफ्टर में यह था, यह भी काइजन का फॉर्मेट है। और ये पोकायोके, पोकायोके क्या हो गया, मिस्टेक प्रूफिंग, मतलब आप चाह कर भी गलती ना कर सके, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट जो करते हैं उसको कहते हैं पोकायोके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा, वैसे आपके मैसेजेस काफ़ी आ रहे हैं मेरे पास और मैं कोशिश करता हूँ हर एक का जवाब देने की। थोड़ा समय अगर लग रहा हो लेकिन मैं जवाब हर किसी को दूंगा। अभी तक मैंने बहुत सारे जवाब दिए हुए हैं सबको और उम्मीद करता हूँ कि वो उनका पसंद भी आए जवाब।
तो आप भी कोशिश कीजिए, आप भी देखिए, पूछिए क्या क्या आपको कोई प्रॉब्लम आता हो, तो क्या कोई आप नया टॉपिक जानना चाहते हैं, तो जरूर मुझे मैसेज कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।